मेरी किचन से आज मैं आपके लिए बहुत ही पौष्टिक और टेस्टी ड्राई फ्रूट लड्डू लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं ये किस तरह से बनाए जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चलो फिर शुरू करते हैं ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाना। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 से 3 चम्मच हम देसी घी के डालेंगे। जब घी हमारा गर्म हो जाएगा तब हम उसमें 1/2 कप बादाम, 1/2 कप काजू, 1/2 कप अखरोट डालेंगे और इनको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे। हमें ड्राई फ्रूट का कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसको क्रंची करना है। ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हम 2 कप फूल मखाने डालेंगे और इसको भी क्रंची होने तक रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए हमारे मखाने भी रोस्ट हो गए हैं। अब इसी में हम 2 चम्मच किशमिश लेंगे, उसको भी 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। ये लीजिए हमारी किशमिश भी अच्छी तरीके से रोस्ट हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें सबसे पहले हम मखाने डालेंगे। थोड़े से मखाने हमने रख लिए थे, इसी जार में ड्राई फ्रूट भी डाल लेंगे और इसमें से थोड़े से ड्राई फ्रूट हम अलग से रख लेंगे और इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम 1.5 कप गुड़ का डालेंगे और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है ताकि गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। ये देखिए गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब हमारा गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें पिसे हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे। सबसे पहले हम काजू बादाम डालेंगे, फिर हम मखाने डालेंगे और इसको गुड़ के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम अब हमें लो कर देना है। अब हम इसमें किशमिश डालेंगे और जो ड्राई फ्रूट हमने थोड़े से रख लिए थे उसको दरदरा हमने कूट लिया है और वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसमें 1/2 कप डेसिक्रेटेड कोकोनट डालेंगे और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी का और डालेंगे और इसको भी अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच दूध डालेंगे, हमने फ्रिज का दूध लिया है ठंडा, ये हमारे लड्डुओं को बाइंड करने में हेल्प करेगा। ये देखिए इस तरीके से हम बांध कर देखेंगे कि हमारे लड्डू बन रहे हैं कि नहीं। ये लीजिए हमारा एक लड्डू बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे। जो हमने ड्राई फ्रूट क्रश करके डाले हैं जब हम लड्डुओं की बाइट करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रंची लगेंगे और टेस्टी लगेंगे। अगर आप चाहो तो अपने पसंद के और भी इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं।